यूपी के मेरठ में जबरन धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यहां करीब 400 लोगों का धर्मांतरण कराया गया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। मामले को लेकर शनिवार को सैकड़ों की संख्या में लोग मेरठ एसएसपी ऑफिस पहुंचे और लालच देकर धर्मांतरण कराने के मामले का आरोप लगाया। दरअसल मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र की एक मलिन बस्ती से सैकड़ों लोग स्थानीय बीजेपी नेता की अगुवाई में एसएसपी ऑफिस पहुंचे और बताया कि कोरोना काल में वे लोग ऐसे लोगों के संपर्क में आ गए जो लालच देकर धर्म परिवर्तन कराते हैं। बस्ती के ज्यादातर लोग कूड़ा बिनने का काम करते हैं। इन लोगों ने एसएसपी ऑफिस में दिए गए आरोप पत्र में लिखा, उन्हें कुछ लोग लालच देकर धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उन्हीं लोगों ने हमारी देवी देवताओं की मूर्तियां घर से बाहर रखने के लिए मजबूर किया। इन सभी लोगों का आरोप है कि धर्म परिवर्तन करने को लेकर हमें पहले रुपए और खाने का लालच दिया गया, इसके बाद ये लोग घर से भगवान की मूर्तियों को बाहर करने के लिए मजबूर करने लगे। साथ ही ये कहने लगे कि ईसाई धर्म पूरी तरह से अपना लो। आरोप में लोगों ने यह भी लिखा कि 400 लोगों के धर्मांतरण के लिए इलाके में एक अस्थाई चर्च भी बना दिया। इस पूरे मामले को लेकर मेरठ के एसपी पीयूष सिंह का कहना है कि थाना ब्रह्मपुरी से कुछ लोग एसएसपी ऑफिस पहुंचे थे। उन लोगों का आरोप था कि उन्हें भ्रम में फंसा कर उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। प्रार्थना पत्र के आधार पर पुलिस ने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें।